हमें बहुत खुशी है कि जय आदित्य बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित नौगढ़ पहुंच गए और तुम यहाँ। वैसे हमने सुना है वो काली पहाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम वहां अकेले ही चले गए और वहां से औषधि का तोड़ भी लिया, कैसे किया तुमने ये सब? क्या बताएं चंद्रकांता, इन दो हाथ और दो पैरों से। वाकई सच में तुम्हें हमेशा ही मजाक सूझता है, पता है हम कितना घबरा गए थे, तुम वहां थे और हमारे दिल की धड़कन तो बस रुक सी गई थी। और क्या, इतनी बेचैनी हो रही थी और सांस तो जैसे और हर पल हम बस तुम्हें सलामत दिखना चाहते थे और क्या, और कुछ नहीं। बस इतना ही कमाल है, हमें ऐसा लगा कि आप हमारी बहादुरी से खुश होकर भीड़ से अलग ऐसे एकांत में लाई हैं ताकि आप हमें हमारा इनाम दे सके। इनाम? इनाम? क्या इनाम चाहिए आपको? क्या हुआ राजकुमारी, भूल गई आप? जाते वक्त हमने आपसे कहा था कि लौट कर हम अपना इनाम आपसे जरूर लेंगे, पर आप हमें मना नहीं कर पाएंगे। वो इनाम हमें नहीं याद, हमें तो सब याद है, और अपना इनाम तो हम लेकर ही जाएंगे। क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, इनाम ले रहे हैं। जानी पहचानी है, खुशबू रूमानी है, दास्तां मोहब्बत की ये सदियों पुरानी है। अरे कोई देख लेगा। बात तो आपने सही कही राजकुमारी, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर हमने सोचा कि अगर कोई देखता है तो देखने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। युवराज आप शायद भूल रहे हैं। क्या? महाराज ने पहले ही आपको आपका इनाम दे दिया है, अब यूं ही सता रहे हैं हमारे राजकुमारी जी को। इनाम? कैसा इनाम? अरे आपकी और राजकुमारी जी की विवाह की घोषणा, अब अगर इससे बड़ा इनाम चाहिए तो राजकुमारी जी को पलकों पे सजाकर डोली में बिठाकर ले जाइए, तब तक और कुछ नहीं। सुन लिया? पर ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई राजकुमारी, नहीं? अब हमारा भी जवाब सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है राजकुमारी कि आपकी ये दोनों अय्यारा आपको हमसे दूर रख सकती हैं तो गलतफहमी है आपकी। सच बताएं, इन दोनों की नजरों के सामने हम आपको उठाकर ले जाएंगे और ये दोनों बेचारी टकटकी लगाए देखती रहेंगी। अच्छा ऐसी बात है तो ले जाइए, रोका किसने? ये हुई ना बात, यही सुनना चाहते थे हम, इसीलिए रुके थे अभी तक। अब आप देखिएगा राजकुमारी कि हमको आपसे मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तो हम चलते हैं राजकुमारी, विवाह की तैयारियां जो हैं वो जल्दी कर लीजिएगा अगर हम खुद को नहीं रोक पाए तो। फिर इल्जाम
हम पर मत लगाइएगा। रेशमी बदन पे बूंदे मोती सी लगे, वो चांदनी से पिघले और धूप में जमे, रग रग जादू भरा रूहानी हर अदा, रोशनी का झरना है चंद्रकांता। जंगल छान मारो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आज पहली बार अपनी उम्र का एहसास हो रहा है कमला। हुजूर, हमने तो आपको कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन राजकुमारी चंद्रकांता को जो लेकर आपकी चाहत है ना, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया है। सही कहते हो तुम महाजन, हमें भी बहुत पहले अपने दिल की सुन लेनी चाहिए थी कमबख्त, कि नाजिम तुझे मौत तक घाट उतार देते। जब मुंह खोलता है गंध ही बकता है कंबख्त। हुजूर छोड़िए इसे, सैनिक आ रहे हैं। हुजूर छी, क्या ये? अरे कितने दिनों से नहीं नहाए, कम से कम शादी के दिन तो नहा लेते। कहाँ गंध में लेकर आ गए हो तुम आगे? अगर अगर कुछ क्षणों में यहाँ से दूर नहीं लेकर गए ना, तो सच बता रहे हैं तुम्हारी यहीं पर कब्र खोद देंगे हम। हुजूर देखिए मेरी अय्यारी, कैसे मैं इन सारे सैनिकों को एक साथ चकमा देके यहां से भगाता हूं। जल्दी से करो जो करना है। रुको रुको, वो सब इस तरफ है। कमबख्त, एक सांस और लेते ना, अगर वहां पर हमारी अतड़ियां सड़ जाती। तो फिर क्यों ना भागा दौड़ी बंद करें और राजमहल वापस चले। महारानी कह रही थी कि अब मुस्कुराते हुए आपके चेहरे पे चमक आ जाती है, भगवान करे आप ऐसी सदैव मुस्कुराती रहे। खुश तो हम बहुत हैं, पता नहीं क्यों दिल के एक कोने में थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी घबराहट भी है। जब भी हमने कोई फैसला लिया है, माँ और पिताजी ने हमेशा हमारा साथ दिया, उनका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहा। और तुम दोनों हमारी अय्यारा ही नहीं, हमारी बहन जैसी। हम सब साथ में हंसते खेलते बड़े हुए, अब आप सबसे दूर कैसे रहेंगे हम? अच्छा, तो फिर हमारे पास एक तरीका है, क्यों ना आप युवराज वीरेंद्र से कह दीजिए, एक शर्त पे आप उनसे विवाह करेंगी कि विदाई के बाद आप विजयगढ़ छोड़ के नहीं जाएंगी, बल्कि वो यहाँ आपके साथ आके रहेंगे। ऐसा भी सुना है कहीं? पता है, महारानी होती तो क्या कहती, मस्त बताओ मेरी बच्ची को। पता है राजकुमारी जी, सच कहे तो हमें भी नहीं पता हम कैसे रहेंगे इस महल में आपके बिना। तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? तेज सिंह से विवाह करके तुम भी चलो हमारे साथ नौगढ़। राजकुमारी जी, क्यों हम बात करें? बिल्कुल राजकुमारी जी, लेकिन एक शर्त है, तेज सिंह को चपला से ही नहीं हमसे भी विवाह करना होगा, वरना हम कैसे रहेंगे इस महल में अकेले। तुम दो कोड़ी के सैनिक हमें कैदी बनाओगे क्रूर सिंह को? ये देखते हो, ये है तुम्हारी बीमारी का इलाज। कम्बक, ठीक हुआ तुम्हारा दिमाग की फिर इलाज करें? सैनिकों, पकड़ो इसे।
ये कमबख्त नाजिम हमारी तरफ है कि इन सब की तरफ? हुजूर, हमें तो लगता है कि नाजिम है ही असली सैनिक है। क्या वकील सुनो, तो हमने असली सिपा सलार को छापट मार दिया? अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, हम तो मजाक कर रहे थे। जाकिर कुछ करो। कहाँ गए दोनों? ढूंढो उन्हें। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हें गलत समझा। हमारी सभी गलत फहमियों के लिए हमें माफ कर दो। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू मिलने वाली है। अब तो हम तुम्हारी और वीरेंद्र की सगाई जल्द कर देंगे। क्या बात है महाराज जयसिंह जी, महारानी रत्नगर्भा साथ नहीं आई? महारानी रत्नगर्भा ने चंद्रकांता और वीरेंद्र के लिए पहाड़ी वाले माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी, इसलिए वो वहां गई हैं दर्शन के लिए। दर्शन और पूजा अर्चना होते ही वो वापस आ जाएंगी। हमें उनका इंतजार रहेगा। चलो हम तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक ले चलते हैं। आओ। जगह है कमबख्तों? ये हम कहां आ गए हैं? आज तो हमारा विवाह है, कहां ले आए हो हमें? सुनो सुनो सुनो, आज सूर्यास्त के पश्चात राजकुमारी चंद्रकांता की सगाई राजकुमार वीरेंद्र के साथ होगी। इस शुभ दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए आज से लेकर विवाह तक इस राज्य में किसी को भी अपने घर चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या वक्त है कम्मा? चंद्रकांता, सूर क्या कर रहे हैं आप? अरे पकड़े गए तो सर कलम कर दिया जाएगा, भूल गए क्या? छोड़ दो, हमें ये हम नहीं देख सकते, ये नहीं सुन सकते कम वक्त। चंद्रकांता हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। ये विवाह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये विवाह हमें रोकना है। सर शांति से सोचिए कि क्या कर सकते हैं, शांति से सोचिए। तो सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कुछ खो गया है क्या?
हम कब से पूछ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? रास्ता। रास्ता? कैसा रास्ता? वो भी इस कक्ष में? तिलिस्म को पाने का रास्ता यहीं कहीं होगा श्यामला, यहीं कहीं होना चाहिए। ये मारी सब जानता था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे वहां दूर नौकर भेज दिया। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि यहाँ कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा उस तिलिस्म तक पहुँचने का। अगर रास्ता मिल भी जाए, हमें तिलिस्म का दरवाजा खोलने के लिए वीरेंद्र की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ, मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ वीरेंद्र ही कर सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस पर काबू पाना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। ये बात तुम्हारी भी जानता था, तो फिर उसे तिलिस्म कैसे मिलने वाला था? मुझे अब उस शक्ति को ढूंढना होगा जिससे मैं वीरेंद्र पर काबू पा सकूं। वीरेंद्र कोई मानव अपने पास में नहीं कर सकता, परंतु कोई अमानवीय शक्ति तो कर ही सकती है। अमानवीय शक्ति? हाँ स्वामी, अमानवीय शक्ति ऐसा जो इस धरती पे जन्म तो ले चुका है परंतु बादल से ज्यादा गरजे, जो चले तो तूफान, जो देखे तो मौत, इतना खौफनाक कि सब उससे थर थर कांपे। महाराज, राज्य में 3 गुप्तचर पकड़े गए हैं। गुप्तचर? क्या ढूंढने आया वो? कहां से आए, कुछ पता चला? महाराज, वो तो पता नहीं चला है, लेकिन वो तीनों बहुत विचित्र हैं। प्रणाम। दरअसल हमें कक्ष के अंदर जाना था तो। क्षमा चाहते हैं, पर आपके लिए ये दरवाजा बंद है। हमारे लिए बंद है? नहीं मतलब हमारे लिए बंद है। आप दोनों को पता है ना कि आप दोनों नौगढ़ में हैं और नौगढ़ के हम युवराज हैं हम, और दुनिया में किसी भी युवराज को अपने महल के अंदर किसी भी कक्ष में जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता। क्षमा चाहते हैं युवराज। समझदार है। तो युवराज, अब क्या? भले ही महल आपका है, हाँ, लेकिन इस कक्ष के अंदर जो है वो हमारी राजकुमारी जी, हाँ, है, हाँ, और वो भी स्नान कर रही है। क्या कर रही? और उनकी अनुमति के बिना हम युवराज को तो क्या उनके पति को भी अंदर ना जाने दे। श्यामला, तुम अमानवों के बारे में और क्या जानती हो, बताओ हमें। वो इतने खूंखार हैं कि एक झटके में इंसान को भी निकल सकते हैं। वो रहते कहाँ हैं श्यामला? शिववन में। तो हमें वहां पे लेकर चलो। वहां का रास्ता तो हम आपको बता देंगे, परंतु एक बात ज्ञात रहे, ये जीव किसी के आदेश का पालन नहीं करते, उनकी सारी ताकत उनके एक अंग में होती है। इस अंग को हासिल करना होगा और उनको काबू में लाना होगा, फिर आप जो कहेंगे वो वही करेंगे। कुछ बताया इन्होंने? ये किस राज्य से आए हैं, क्या ढूंढने आए हैं? महाराज, इनका कहना है कि ये विजयगढ़ से हैं। विजयगढ़ से? तो अभी के अभी इन्हें खोलते हुए तेल में डाल। लेकिन महाराज, इनकी वेशभूषा से ऐसा प्रतीत होता है कि ये विजयगढ़ से नहीं नौगढ़ से हैं। नौगढ़ के हैं तो दहकते हुए आग से इनकी आंखें फोड़ दो।
और फिर भूखे शेर के सामने फेंक दो इन्हें। ठीक है स्वामी, हमारे पास एक सुझाव है। अगर इन तीनों गुप्तचरों की किस्मत में मृत्यु ही लिखी गई है तो क्यों ना इन्हें भोजन स्वरूप हम अमानवों को भेंट करते, शायद हमसे खुश हो जाए। अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अरे लेकर आओ इन्हें। क्या चलो शिमला। देखिए हमारा राजकुमारी से बात करना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, फिर राजकुमारी जी खुद आपसे मिलेंगी सगाई के लिए। सगाई? सगाई की तो बात करनी है हमें उनसे, इतनी जरूरी बात करनी है, हम क्या बताएं, हमारा जाना जरूरी है। अच्छा अगर इतना ही आवश्यक है। हाँ। आप एक काम कीजिए। क्या? आपका संदेश हमें बता दीजिए, हम राजकुमारी जी तक अभी पहुँचा देंगे। अच्छा नहीं, आप वो संदेश नहीं दे पाएंगी। देखिए आप दोनों हमें वाकई कक्ष के अंदर नहीं जाने देंगे। आप दोनों ने अपना मन बना लिया है कि मतलब किसी भी हालत में जाने नहीं देना, पक्का। हंसना बंद कीजिए और कह दीजिए आगे अपनी राजकुमारी से कि हम सगाई पर भी मिलने नहीं आएंगे आपसे, और उसकी वजह होंगी आपकी ये दोनों अय्यारा चपला और चंपा। सुनिए जा रहे हैं हम। यह रास्ता? हाँ, वो पेड़ से होकर वो खुफिया रास्ता है जहां पे हमें वो अमानव मिलेंगे। क्रूर सिंह तुम? हुजूर हम आपके क्रूर सिंह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खड़े हो? हुजूर हम कैसे बताते कि हम ही हैं आपके क्रूर? मुंह बंद किया हुआ इस काले कपड़े के अंदर डाला हुआ था हुजूर, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं हुजूर। विजयगढ़ से तो हमें बहुत ही बेइज्जती से फेंक दिया गया। हमने बहुत सोचा इस समय हमारी कौन मदद के लिए आएगा, हमें आपके अलावा और कोई नजर नहीं आया। हुजूर हमारी मदद कीजिए। अरे क्रूर सिंह रो मत, वैसे विजयगढ़ ने तुम्हें इतने सालों तक झेला ये भी कमाल की बात है। हा? आप भी हमारा मजाक बना रहे हैं हुजूर। बना लीजिए हुजूर। और वहां पर नौगढ़ में आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा पर आज राजकुमारी जी की सगाई है कमबख्त वीरेंद्र के साथ। अरे ये तो खुशखबरी है। हैं? अरे मूर्खो ये खुशखबरी है, हमने तो उनके लिए तोहफा भी तैयार करके रखा हुआ है। तो आओ दिखाएं तुम्हें, आओ। मैं हुजूर हम निकलते नहीं। अरे क्रोर सिंह ये बहुत जंगली इलाका है, कोई जानवर आ गया तो खा ना जाए तुम्हें, बाकी तुम्हारी इच्छा है देख लो। नहीं हुजूर हम आपके बगैर जा का सकते हैं। चंद्रकांता से एक पल की दूरी भी सहन नहीं हो रही है, कैसे मिले उससे, क्या करें? जा सकते हैं, यहीं से जाते हैं, चंपा चपला को भी पता नहीं चलेगा, फिर देखते हैं कौन रुकता है।
बस थोड़ी दूर। क्या हुआ करोड़ सिंह, क्यों रुक गए? रुक रहा हूं। क्या वो वहां कुछ है? कुछ नहीं है वहां। चलो यहां से, चलो यहां से। दबे पांव चलते रहो। आओ। रत्नारे नैनों के लाल डोरों में डूबे उतराए काजल की कोरों में, सांसों की संजीवनी तुझ में आ भर दे, आ तेरे अधरों पे प्यास ये धर दे। यूं लगा तुझे छूके जैसे खुद को छू लिया, धड़कने सांसें ये जीवन तुझको दे दिया। तुम हमारे दिलो दिमाग में ऐसे बस गए हो कि बस हर जगह तुम ही दिखाई देते। कक्ष में तुम जाओ यहाँ से, ये ठीक नहीं है। जाओ जाओ जल्दी। अब ये तो गलत है, ना इंसाफी है ये, सही नहीं है ना। हम कब से जिनकी एक झलक पाने को बेकरार है वो इस तरह हमारे साथ वक्त बिता रहे हैं। तुमसे मतलब क्या मतलब? देखो यहाँ कक्ष में तो और कोई नहीं है। आप जब झूठ बोलती हैं ना तो आपके होंठ आपका साथ नहीं देते, बस ये नशीली आंखें आपकी सब सच बयां कर देती हैं। क्या कहती हैं हमारी आंखें? यही कि अभी कुछ पल पहले आप और हम बिल्कुल इतने ही करीब एक साथ थे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वो
वो तो बस आपकी सोच थी, है ना? अच्छा बताइए, क्या आपके सपनों का वीरेंद्र हमारी तरह दिखता है या हमसे थोड़ा अलग है? क्या वो वीरेंद्र इसी तरह ओ चांद वो चकोरी जन्नत की अप्सरा सुंदरता से भी है सुंदर चंद्रकांता मन चली मतवाली मधुमाती चंचला सुंदरता से भी है सुंदर चंद्रकांता कोई आ जाएगा अब जाओ पर हम नहीं जाएंगे जो कार्य अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करेंगे सगाई के बाद नहीं बिल्कुल नहीं वीरेंद्र जाओ यहाँ से जिद मत करो वीरेंद्र छोड़ो पहले वादा करो राजकुमारी जी हम अंदर आ जाए हाँ नहीं हम आते हैं वादा करो हाँ हाँ किया पक्का हाँ हाँ पक्का जाओ, जाओ। जा रहे जाए नहीं मुख्य द्वार से नहीं जहाँ से आए थे अच्छा, जहाँ पीछे, से हाँ। पीछे से तो यहाँ से राजकुमारी जी हमें ये लगता है चंद्रकांता कि हमें यहाँ से जाना चाहिए नहीं, नहीं। युवराज अब राजकुमारी जी के कक्ष के अंदर जी जब दो दिन मिलना चाहते हैं और उनके दिलों में मिलने की आस हो तो कोई भी उनका रास्ता नहीं रोक सकता आए बड़े देखो तुम्हारे लिए भोजन का खास प्रबंध किया है फिर से जानवर का मांस तुमने तो कहा था कि मनुष्य के मांस का भोजन कराओगे आसपास के सारे गांव के मनुष्य खा चुकी हो अब बस यही है खा लो भूख लगी होगी नहीं मेरी भूख मनुष्य के मांस से ही मिटेगी तुमने तो वादा किया था कि मैं जो कहूंगी तुम मुझे ला कर दोगे मेरे भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते अब जो है ही नहीं वो कहाँ से ला के दूंगा अब बस यही है खा लो ओहो तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कब का चला गया होता मुझे छोड़कर जाना चाहते हो जाओ अभी चले जाओ हाथ उठाया हाथ उठाया कैसे रोके नहीं कैसे बात करें इनसे तुम भूल गए ये सींग मेरे पास है ये तुम्हें देखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसलिए मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ती है ओ तो ये है इन्हें काबू में करने का राज हमें किसी भी हाल में इस सींग को हासिल करना होगा तुरंत क्रोध सिंह जाओ सिंह लेकर आओ हुजूर हम मजाक कर रहे हैं क्या आप हमारे साथ क्रोध सिंह अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी
जाओ सिंह लेकर आओ। हुजूर सिंह के हमारा हुक्म है, जाओ। जल्दी करो क्रोर सिंह, आप जाइए। महाराज सीख ले लिया आपने। नाज़िम, महाराज, महाराज। देखो, मनुष्य मिल गया। तुम मेरे लिए मनुष्य लेकर आए? कितना रिष्टपुष्ट है। लाओ, मुझे दो, मैं इसे पकाती हूँ, साथ में खाएंगे। थोड़ा उसे। देखो और कितने मनुष्य हैं। इतना भोजन बहुत दिन चलेगा। अरे ये देखो, हमारा सिंह हमारे पास है। अब तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना है। छोड़ो उसे। देखो क्या हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। लड़ाई तुमने की थी, तुम्हारी गलती है सारी। चुप। आपस में लड़ना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारे हुक्म का पालन करोगे तो हम प्रतिदिन तुम्हारे भोजन के लिए एक मनुष्य को भिजवाएंगे। हाँ, प्रतिदिन, हम तैयार हैं। और तुम राजकुमारी, सगाई हो चुकी है हमारी, कुछ याद आया आपको? एक वादा किया था आपने, अभी सही वक्त है, पूरा कर दीजिए उसे। नहीं, अच्छा, अभी बताते हैं। माँ, हमें लगता है कि हमें ऐसे मौके पर हमको प्रजा से मिलना चाहिए,
अगर आप कहें तो हम जाएं। हाँ बिल्कुल जाइए। चंद्रकांता को ले जाएं क्या साथ में? जरूर। जैसा आप कहें। आइए। तो करो अपना वादा पूरा। कैसी आवाज है? रुक जाओ, उसे जाने दो। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा।